दोस्तों पुराणों में भक्त और ईश्वर के अटूट प्रेम से संबंधित बहुत सी कहानियाँ आज भी लोकप्रिय हैं और ऐसी एक सच्ची घटना आज हम आपको बताने जा रहे हैं जिसके द्वारा आपको भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है पता चल जाएगा। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे अवश्य लिखिएगा। दोस्तों हमारे देश में साक्षी गोपाल नामक मंदिर है। एक बार दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकले जिनमें से एक बूढ़ा था और दूसरा जवान। यात्रा काफी लंबी और कठिन थी जिस कारण उन दोनों यात्रियों को यात्रा करने में कई कष्टों का सामना करना पड़ता था और उस समय रेलगाड़ियों की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। बूढ़ा व्यक्ति ब्राह्मण युवक का अत्यंत कृतज्ञ था क्योंकि उसने यात्रा के दौरान बूढ़े व्यक्ति की सहायता की थी। वृंदावन पहुंचकर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे युवक, तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है, मैं तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी इस सेवा के बदले मैं तुम्हें कुछ पुरस्कार दूँ। लेकिन उस ब्राह्मण युवक ने उससे कुछ भी बदले में लेने से इनकार कर दिया। बूढ़ा व्यक्ति हट करने लगा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी जवान पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण युवक से करने का वचन दिया। ब्राह्मण युवक ने बूढ़े व्यक्ति को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि आप बहुत अमीर हैं और मैं बहुत ज्यादा गरीब ब्राह्मण हूँ। यह वार्तालाप मंदिर में भगवान गोपाल कृष्ण के श्री विग्रह समक्ष हो रहा था, लेकिन बूढ़े व्यक्ति अपनी हट पर अड़ा रहा और फिर कुछ दिन तक वृंदावन रहने के बाद दोनों घर लौट आए। बूढ़े व्यक्ति ने सारी बातें घर आकर बताई और उसने अपनी बेटी का विवाह एक ब्राह्मण से तय कर दिया है, पर पत्नी को यह सब मंजूर नहीं था। उस बूढ़े पुरुष की पत्नी ने कहा, यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। कुछ समय व्यतीत होने के बाद ब्राह्मण युवक को चिंता हुई कि बूढ़े व्यक्ति ने अपने वचन को पूरा करेगा या नहीं करेगा। फिर ब्राह्मण युवक से रहा नहीं गया और उसने बूढ़े पुरुष को उसका वचन याद करवाया। वह बूढ़ा पुरुष मौन रहा क्योंकि उसे डर था कि अगर वह अपनी बेटी का विवाह इससे करवाता है तो उसकी पत्नी अपनी जान दे देगी और बूढ़ा पुरुष कोई उत्तर न दे पाया। वह उसे लगातार याद दिलाता रहा उसका वचन, लेकिन फिर उस बूढ़े व्यक्ति के पत्नी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया ये कहकर कि वह झूठ बोल रहा है और उसकी संपत्ति को लूटने आया है। फिर ब्राह्मण युवक ने कहा कि यह सारे वचन तुम्हारे पिता ने शिव ग्रह के सामने दिए हैं। तब बूढ़े व्यक्ति का ज्येष्ठ पुत्र यानी कि सबसे बड़ा पुत्र जो भगवान को नहीं मानता था युवक को कहने लगा, अगर तुम कहते हो भगवान इस बात के साक्षी हैं तो ये सही। यदि भगवान प्रकट होकर ये बात कह दे कि मेरे पिता ने वचन दिया था तो तुम मेरी बहन के साथ विवाह कर सकते हो। तब युवक ने कहा, हाँ, मैं भगवान श्री कृष्ण से कहूंगा कि वह साक्षी के रूप में आए। उसे भगवान श्री कृष्ण पर पूरा विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उसके लिए वृंदावन से जरूर आएंगे। वह व्यक्ति वृंदावन पहुंचता है। अचानक वृंदावन के मंदिर की मूर्ति से आवाज सुनाई देती है, मैं तुम्हारे साथ कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मात्र एक मूर्ति हूँ। तब युवक कहता है, अगर मूर्ति बात कर सकती है तो साथ चल भी तो सकती है। तब भगवान कृष्ण युवक के समक्ष एक शर्त रखते हैं। शर्त यह है कि अगर दिशा में जाते समय वह पीछे मुड़कर देख लेगा तो वह मूर्ति वहीं स्थापित हो जाएगी। वह सिर्फ भगवान शिव के नुपुरों की ध्वनि से यह जान सकेगा कि वह उनके पीछे आ रहे हैं या नहीं। युवक ब्राह्मण ने उनकी बात मान ली और वह वृंदावन से चल पड़े। जिस नगर वह जाना चाहते थे वहां पहुंचने के बाद युवक को नुपुरों की ध्वनि आना बंद हो गई तो युवक ने धैर्य न धारण कर सकने के कारण पीछे मुड़कर देख लिया। मूर्ति वहीं पर स्थिर खड़ी थी और अब मूर्ति आगे नहीं चल सकती थी क्योंकि युवक ने पीछे मुड़कर देख लिया था। वह युवक दौड़कर नगर पहुंचा और सब लोगों का इकट्ठा करके कहने लगा कि देखो भगवान श्री कृष्ण साक्षी रूप में आए हैं। लोग स्तंभित थे क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति स्वयं वृंदावन से चलकर आई थी। लोगों ने वहीं पर उनका मंदिर बनाया और उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बेटी की शादी उस युवा पंडित से करवा दी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।